मैं टीसी सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि जय सर ने हमारे हेड के ऊपर ये एकेडमी रखी है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। आप सभी भाई बहनों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि आप आए भीलवाड़ा। सर ने मैसेज दिया था आपको कि हमारे टीम के ऊपर एकेडमी होनी चाहिए, आप नहीं आते तो ये सफल नहीं होता, होता क्या? तो आपके लिए मैं बहुत बहुत हाथ जोड़ के धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप सब मेरे भाई बहन आए, इसके लिए एकेडमी सक्सेसफुल होगी। ज्यादा से ज्यादा मैं बहुत प्यार करती हूँ जय सर भाई को, रूपराम भाई को, महावीर जी को, सबको मैं बहुत प्यार करती हूँ। भाई के भाई बोलती हूँ मैं उनको, और मुझे तेरे ऊपर और राहुल जी के ऊपर उन्होंने जो जो विश्वास डाला है, मतलब 9 साल हो गए आज हम लोग ये सिस्टम सीख रहे हैं और सीखते रहेंगे, क्योंकि टीसी सर ने कल बोला यहाँ बैठ के कि आपको सिर्फ सीखना है, हर दिन सीखना है। तो सच्ची में मैं बोलती हूँ कि कोई भी परेशानी हो घर में, सबके फैमिली में बहुत सारी परेशानी आती है, लेकिन आपको उसको बाजू में रखना है और अर्थिंग करना है, सिर्फ पॉजिटिव विचार करना है। मेरे जीवन में भी बहुत बहुत संघर्ष आए हैं, आपको सबको पता है हमारी कहानी, लेकिन वो संघर्ष कैसे करना है, कामयाबी कैसे हासिल करना है, सफलता कैसे प्राप्त करना है, मैंने राहुल सर से सीखी हूँ, जय भाई से सीखी हूँ, रूपराम भाई से सीखी हूँ, टीसी सर हमारे बीच में हमेशा रहते हैं, उनके वीडियोस में देखती रहती हूँ, हर टाइम मिल जाए ना कुछ करना पड़ता है। ऐसे नहीं बोलना कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को आप सबके जिंदगी में प्रॉब्लम है, लेकिन आप वो प्रॉब्लम को बाजू में रखिए, सिर्फ आरसीएम 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 आरसीएम, आप जब मतलब तब सोते टाइम आरसीएम बोलना है, जब के टाइम आरसीएम बोलना है। कई लोग सुबह सुबह बोलते हैं गुड मॉर्निंग, हम सब हमारे घर में सब एक दूसरे को जय आरसीएम बोलते, तो जय आरसीएम से हमारी मॉर्निंग होती है, जय ना जय आरसीएम से हमारी नाइट होती है, और हमारे दोनों को हाथों में भी बोलते ना कि हम इस दुनिया में जाते हैं, इस दुनिया से हम लोग चले चले जाते हैं भगवान के पास, तो हम कुछ लेके नहीं जाते, लेके जाते क्या? ना पैसा लेके जाते, ना सोना लेके जाते, ना कुछ नहीं लेके जाते, लेकिन हमारे ऊपर जो हाथ पे ऊपर जो टैटू रहता है वो हमारे साथ आता है, तो हम दोनों ने भी ये टैटू निकाला है, वो टैटू भी आरसीएम का है। मतलब हम जिंदगी में जो भी आप करेंगे वो सच्चे मन से, तन से, धन से कीजिए, कभी भी अपना दिमाग मत लगाइए। सबके दिमाग अलग अलग होते हैं, कोई साइंटिस्ट होता है, कोई डॉक्टर होता है, कोई टीचर होता है, लेकिन आरसीएम में आज सिर्फ अपलाइनों का ही दिमाग लगाइए, जो जो आपको बुलाएंगे। आज मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन मैं हर एक चीज पूछती हूँ, मुझे बुरा नहीं लगता, मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मैं मुंबई में रहती हूँ, इतनी अच्छी मुंबई बोलते ना, मुंबई हमारी जान है, सबकी जान है, ऐसे स्टेशन पे रहती हूँ, लेकिन मुझे कभी गर्व नहीं होता, मैं हमेशा हर एक चीज आपसे से परवाह भी लेती हूँ कि मुझे ये करना है, आप मुझे सपोर्ट करेंगे क्या? मतलब हमारी फैमिली को आरसीएम बिजनेस में आपको एक साथ ही लाना है, आप कभी भी ना एकेडमी में भीलवाड़ा में अकेले मत आइए, आपकी पूरी फैमिली के साथ ही आए, क्या छोटा बच्चा हो क्या? आज मैं आपको सच्ची बोलती हूँ कि एकेडमी में मेरा बाबू 6 महीने का था, तभी से मैं उसको लेके आती हूँ काव्य को, और आपको सबको पता है ना, 6 महीने से अभी वो 7 साल का पूरा हो गया है, उसकी नहीं बोलेगी ना तो कोविड के 2 साल गए, 5 बार वो आरसीएम एकेडमी में आए, उसके रग रग में आरसीएम है, आप सभी को पता है, वो दिखता ऐसा है लेकिन बहुत अलग है, आप कोई घर पे आएंगे ना तो सिर्फ आरसीएम की बातें करेगा, हेलो बोलेंगे, जय आरसीएम बोलेगा, और एक न्यू टीचर स्किल्स के बारे में वो बताता है, टीएचए के बारे में बताता है, साबुन के बारे में बताता है, कोई भी हमारे घर पे है ना तो सिर्फ आरसीएम की बातें होती है। मतलब वो बच्चे जब भी आपके भीलवाड़ा में आएंगे, हमारी पावन धरती है, मैं सच्ची में बोलती हूँ कि सच्ची में पावन धरती है हमारे लिए, तो कई लोग बोलते हैं कि स्वर्ग होता है, मुझे पता नहीं स्वर्ग कैसे होता है, लेकिन इस भीलवाड़ा एक पूरा स्वर्ग है हमारे लिए और हमारे फैमिली के लिए, बहुत आरसीएम मतलब हमारी पूरी जिंदगी है, और सर में आरसीएम में मिले तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हर एक घर में आरसीएम होना ही चाहिए, और मैं सर से बहुत काम करती हूँ आप सभी को पता है, लेकिन सच्ची में सर को मैं आई लव यू बोलना चाहती हूँ कि राहुल जी आई लव यू, और मेरे सभी भाइयों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जय सर।
अनुपमा भाई हमारे बीच में है। मैं सच्ची में उनको बहुत प्यार करती हूँ मेरे भाई है, क्योंकि बोलते ना कि हम चारों महीने मुझे सगा भाई नहीं है, लेकिन भगवान ने अच्छा किया कि मुझे सगा भाई दे दिया। ये भाई मुझे बहुत प्यार करते हैं, सच्ची में बहुत प्यार करते हैं। हर एक चीज बोलते कि चलता आपको ये करना है, ये भाई करना है, मतलब बोलते ना कि सगा भाई भी इतना बहन के लिए नहीं करते, उतना जय भाई रुपराम भाई हमारे लिए करते। और मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आप हमेशा हमारे ऊपर ऐसे विश्वास रखे, और आप जब जब बोले कि आपको आगे बढ़ना है हम आगे बढ़ेंगे, आप जब बोलेंगे आपको रुकना है हम रुकेंगे, ये हमारा वादा है। और आप सभी भाई लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली टाइम आप जब आएंगे तो आपकी फैमिली, आपका ग्रुप पूरा आना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी मैं और राहुल जी लूंगी। आपको हर एक फोन करूंगी, हर एक मैसेज करूंगी, आपको कोई भी तकलीफ हो जाए। सर थोड़े फील्ड के ऊपर रहते तो कभी फोन नहीं उठा पाते थे, नहीं मैसेज करते थे, लेकिन मेरा नंबर आप सभी के पास है, आप कभी भी फोन कर सकते हैं। रात को 2 बजे भी फोन हम लोग उठाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। जय हरि सिंह।